गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 3 मार्च 2020। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कर्नाटक। तो चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले 3 शीर्ष राज्य हैं, जिसमें कर्नाटक पहले स्थान पर है, जिसने 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जिसने 990 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि की है वनों का। और तीसरे स्थान पर है केरल, जिसने कि 823 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि की है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा वन पूछा जाए तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र है। यह रिपोर्ट हर वर्ष 2 साल में जारी की जाती है, जिसमें भारत के वनों या वनीय क्षेत्र की जानकारी दी जाती है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर अलग तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में वनों के लिहाज से, यानी किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि कितने साल में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो आपका जवाब होगा हर 2 साल बाद। और ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र कौन है, तो मतलब वृद्धि किसने की है इस साल, तो आप बताएंगे कर्नाटक। कर्नाटक ने इस साल सबसे ज़्यादा वन का एरिया जो है एक्सपेंड किया है, एक्सटेंडेड किया, ज़्यादा एक्सटेंशन इसका हुआ ज़्यादा, यही कर्नाटक का। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित, यानी किस व्यक्ति को कल संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एस सौम्या। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपका जवाब होगा मद्रास संगीत अकादमी द्वारा। इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और एक विशुद्ध पत्र दिया जाता है। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका अभ्यास श्रीलंका में भी किया सकता है, किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप की 51वीं यूनिट को सेना में शामिल कर लिया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है K9 वज्र। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 जनवरी 2020 को K9 वज्र टी तोप की 51वीं यूनिट को हरी झंडी दे दी है। इसे नवंबर 2018 में सेना में शामिल किया गया था। K9 वज्र तोप कोरियाई सेना द्वारा आयोजित किया उपयोग किए जा रहे K9 थंडर का ही एक रूपांतरण है, यानी कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 जनवरी 2020 को K9 वज्र तोप की 51वीं यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसे नवंबर 2018 में ही सेना में शामिल किया गया था। K9 वज्र तोप कोरियाई सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे K9 थंडर का ही एक प्रकार है, कह सकते हैं टाइप है। इस तोप का वजन जो है 50 टन है। यह 47 किलोग्राम के गोले को 43 किलोमीटर दूरी तक दाग सकती है, यानी ये इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय के लोगों को शरणार्थी के रूप में त्रिपुरा में बसाने के लिए गृह मंत्री द्वारा हाल ही में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ब्रू रियांग्स शरणार्थी समस्या का समाधान करते हुए उन्हें मिजोरम से त्रिपुरा
में बसाने के लिए एक समझौता किया गया है। इसके तहत ब्रू शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट के साथ 40 से 30 फीट का प्लॉट भी मिलेगा। साथ ही उन्हें 2 साल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह की रूप में उसे नगद सहायता भी दी जाएगी और मुफ्त राशन का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन्हें त्रिपुरा के वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं 1997 से ही मिजोरम से आए करीब 30,000 भू शरणार्थियों को त्रिपुरा में शरणार्थी शिविर में रह रहे थे ये लोग, उनको अब ये सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेलनी पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 84। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है, यानी जापानी पासपोर्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट में माना जाता है। इस सूची में पहले स्थान पर जापान है और इस सूची में भारतीय का स्थान देखा जाए तो भारतीय पासपोर्ट 84वें स्थान पर है, यानी 84वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में हमारे देश की रैंकिंग थी 82, यानी भारत का पासपोर्ट की जो रैंकिंग थी 82 थी, अब 84वें स्थान पर आ गया है। इस सूची में अगर दूसरे स्थान की बात किया जाए तो सिंगापुर का पासपोर्ट दूसरे स्थान पर है। पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग के अनुसार भारतीय लोग अपने पासपोर्ट से 58 देशों में बिना किसी वीजा के जा सकते हैं, जबकि पहले स्थान पर मौजूद जापान का पासपोर्ट जो है उसका उससे हम 191 देश में जा सकते हैं, यानी जापानी लोग अपने जापानी पासपोर्ट से 191 देशों में जा सकते हैं बिना वीजा के, जबकि भारतीय लोग यानी भारत की रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो 58 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी माइकल देवव्रत पात्रा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माइकल देवव्रत पात्रा को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वे बिरल आचार्य का स्थान लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं इसकी नियुक्ति जो होती गवर्नर की राय के आधार पर की जाती है। इस समय जो मौजूद डिप्टी गवर्नर हैं NS विश्वनाथन, BP कानूनगो और MK जैन। जैसा कि हम जानते हैं शशिकांत दास RBI के गवर्नर हैं इस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कंगना रनौत। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और फिल्मकार करण जौहर तथा फिल्म निर्माता एकता कपूर को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त अगर गायक देखा जाए तो अदनान सामी को और सुरेश वाडेकर को भी पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्यावनी मौके पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बाएं हाथ के किस तेज गेंदबाज यानी फास्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है रवि यादव, ऑप्शन ए। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। रवि यादव ने उत्तर प्रदेश के आर्यन जुयल, दूसरा अंकित राजपूत और समीर रिजवी के विकेट को लेकर यह उपलब्धि हासिल की है। रवि ने पारी में 16-5, 61-5 के गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए। पदार्पण मौके मैच में भारत में 2 गेंदबाज जवागल श्रीनाथ कर्नाटक और जोगदार राव ने हैट्रिक ली है, लेकिन वे भी पहले ही ओवर में ऐसा कारनामा नहीं कर सके थे, यानी रवि यादव ये कारनामा करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है हॉकी, ऑप्शन बी।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इनके निधन पर दुख जताते हुए उन्हें देश का गौरव बताया है। वे 76 साल की थी। वे वर्ष 1956 और 1966 तक भारतीय हॉकी महिला टीम के लिए खेली। इस दौरान 1963-66 यानी 1963 से 1966 तक टीम की कप्तान भी रही हैं। उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम को नई ऊंचाई प्रदान की। वे कुछ समय से देखा जाए तो वृद्धावस्था की समस्या से जूझ रही थी। अभी उनका हाल ही में निधन हो गया। 10वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक पृथ्वी का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का आसार जताया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2100। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यानी एमिशन गैप रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2021 तक पृथ्वी के औसत तापमान में 2021 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर 2100 तक ये तापमान बढ़ करके 3.2 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक ऊर्जन या उत्सर्जन में भारत का योगदान सिर्फ 5% है, जबकि सबसे ज़्यादा उत्सर्जन चाइना द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है 2020 से 2030 के दौरान यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में हर वर्ष 7.6% की कमी की जाए तो प्रतिवर्ष बढ़ने वाले तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक औसत तापमान में वृद्धि की परिस्थितियों पर लाया जा सकता है। यानी रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है यदि हाल ही में यानी इस तरह के हालात पर काबू नहीं किया गया तो सदी के समाप्ति तक यानी वर्ष 2100 तक पृथ्वी का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाने का अनुमान है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब आपको देना है। और जिसका जवाब सही हमारे आता है हमें उसका नाम मैं अनाउंस करूँगा यहाँ पर अपने चैनल पर। तो आशा करते हैं।